नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रिक फेजर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पबजी मोबाइल लाइट बीटा में एक और काफ़ी बड़ा अपडेट आया है, लगभग 522 एमबी का। और इस अपडेट के बाद गेम का वर्जन हो गया है 0.18.2। पहले 0.18.1 था। और आप लोग, अभी मैं गेम ओपन कर रहा हूँ, ऊपर राइट साइड में आप लोग देख सकते हो, लेफ्ट साइड में ऊपर 0.18.2 लिखा हुआ रहा। तो गेम का जो पहला वर्जन था 0.18.1, वो अपग्रेड हो गया है अभी। ओके, सो गाइस, इसके अपडेट करने के बाद मैंने कुछ क्लासिक मैच खेले, टीडीएम मैच भी खेले, बट मेरे को कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया, ना ही कोई न्यू फीचर्स नज़र आया। ऑब्वियसली ये एक बग्स फिक्स अपडेट है, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले वीडियो, दो तीन दिन पहले भी वीडियो बना के बता चुका हूँ कि गाइस ये जो है, अब आगे दो तीन अपडेट्स और आएंगे जिसमें बग फिक्स होगा। जब तक ये बीटा परफेक्ट नहीं होगा, तब तक हमें ऑफिशियल वर्जन में ये 0.18.1 का या फिर 0.18.0 का अपडेट नहीं देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली वही सेम टू सेम थीम है जो हमें 0.18.1 का अपडेट में देखने को मिला था एक हफ्ते पहले। और गाइस, वही टीडीएम रूल्स है जो हमें पहले देखने को मिल चुका है। इसके अलावा कोई भी न्यू मोड नहीं है। इसके अलावा ऑब्वियसली गाइस, वो ही गोल्डन वुड्स एंड वेरेंगा दो मैप है। ओके, तो यहाँ पे हम इन्वेंट्री में जाके चेक करते क्या वो गन जो न्यू ऐड हुआ है P90 करके, वो ऐड हुआ है क्या ये हमें गाइस। तो गाइस, बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और SMG में तो ऑब्वियसली MP5 के जो गन था वो है ही। ओके, तो एक टीडीएम रूल्स लगा के मैं देखता, वो जो फायरिंग बटन वाला इशू था वो भी फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ। ऑब्वियसली नहीं हुआ है। मैं ऑब्वियसली फिक्स वो नहीं हुआ है गाइस। मैं एक आध मैच ऑलरेडी खेल चुका हूँ, बट फिर भी आप लोगों के कंफर्मेशन के लिए दिखा देता हूँ कि एक बग था गाइस TDM मोड में, या फिर कोई भी क्लासिक भी खेलते हो तो जो फायरिंग वाला बटन है वो ऊपर नहीं लग पाता, कहीं भी इधर उधर कहीं भी मूव नहीं हो पा रहा जो फायरिंग वाले कंट्रोल्स बटन है। वो अभी दिखाता हूँ आप लोगों को क्या वो फिक्स हुआ है कि नहीं हुआ है इस अपडेट में। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अभी भी वो फायरिंग वाला बटन यहीं है। अभी मैं आप लोगों को सेटिंग्स में जाके दिखा देता हूँ, कंट्रोल्स में जाके यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने फायरिंग बटन यहाँ पे मूव कर रखा। ओके, यहाँ पे फायरिंग बटन यहाँ पे मूव कर रखा और गन वाले जो बटन से यहाँ पे मूव कर रखा। ओके, इसको वो सेफ में कर देता हूँ गाइस। लेआउट अपलोडेड हो गया, अगर एग्जिट करता हूँ और यहाँ पे वापस मैं स्टार्ट करता हूँ गेम का, तो ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हो ये जो फायरिंग बटन है भी वही है और ये जो गन्स के आइकॉन्स है वो भी वही है। तो ये भी फिक्स नहीं हुआ। लेकिन इसके अलावा गाइस, मेरे हिसाब से ये जो ग्लीचेस थे, लैगिंग वगैरह और भी ग्लीचेस हैं, नेट वाले ग्लीचेस, जैसे मैं हम ग्रेनेड थ्रो करते तो हाथ में ही फट जाता है, वो मेरे को इशू नहीं हुआ। तो कुछ बग्स जो है फिक्स हुआ है, ये कंट्रोल्स वाला बग फिक्स नहीं हुआ, लेकिन कुछ जो हैवी बग्स है गाइस वो ऑब्वियसली फिक्स हुआ। तो ये 0.18.2 बीटा का अपडेट है। 0.18.2 का अपडेट आया है बीटा वर्जन में। और अगर आप लोग मेरे से पूछोगे कि क्या ये बीटा वर्जन आप लोगों को डाउनलोड करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा बिल्कुल भी डाउनलोड मत कीजिए। आप लोग अपना 500 MB वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं आया है, सेम टू सेम वही है जो 0.18.1 अपडेट में हमें देखने को मिला है। ओके, सो जैसे कि मैं आप लोग ऑलरेडी बता चुका हूँ, 11-12 तारीख को हमें ऑफिशियल वर्जन में अपडेट मिल सकता है 0.18.0 या फिर 0.18.2, जो भी हम कह सकते इसको। और गाइस, सो जैसे ही मेरे को कोई और इंफॉर्मेशन आएगा, मैं आप लोगों को जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके गाइस, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे। मिलते हैं अगले वीडियो में, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में, फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब के लिए बाय बाय, टेक केयर, वीडियो को लाइक करें और कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई कर देता हूँ। ओके।